खबर मुदस्सिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या अस्सलाम वालेकुम। बस और बताइए खैरियत साहब। बस शुक्र अल्लाह का, खैरियत है। आप सुनाइए। बस बढ़िया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस शुक्र है इसको पकान कड़ा दो दा। अच्छा तो क्या प्लान है आपका? ये बेसिकली हमारा लाइक मेबी आपने देखा होगा पॉडकास्ट है, तो हमारे एक दो एपिसोड हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि तीसरे में मतलब किसी को इंक्लूड करेंगे। तो ऑब्वियसली हुसैन ने कहा कि मेरा पहला ये जो गेस्ट होगा तो वो मुदस्सिर साहब ही होंगे। और मतलब हाँ, मतलब करनी थी, थोड़ा क्यूरियस भी थे लोग कि मतलब जानना चाहते थे कि मतलब आपके बारे में, तो इसलिए people want to know about you, जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो that is why मैंने सोचा कि मुदस्सिर साहब को ही लाएंगे। ठीक है, तो मुदस्सिर साहब, वैसे तफज़ुल भाई आप और मुदस्सिर भाई एक दूसरे को ज्यादा जानते नहीं है, मतलब नहीं नहीं वही ना, आखिरी टाइम आपकी मुलाकात कब हुई थी? मतलब पिछली बार हम मिले थे, जब ये हमारे घर आए थे, नीचे घर पे मिले थे ना। हाँ अच्छा, जब डाउनटाउन में हम घूम रहे थे, डाउनटाउन में। अच्छा अच्छा, हाँ मैं आप और फिर हम इनके घर चले गए थे, वो भी मतलब दैट वाज रियल थक हार कर गए थे इनके घर। तब पहली बार मैं, तब आप, हाँ पहली बार इनसे मिला था। हाँ तभी मतलब इंट्रोड्यूस किया था आपने, तो बेसिकली मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता इनके बारे में, तो इन्होंने तब मोटा मोटा सा ऊपर बोल दिया कि मतलब कहाँ क्या। तो वही मैं वही चीज आपसे फिर से आज पूछूंगा, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं सुन रहे, बहुत सारे भी सुन रहे हैं। तो लाइक अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि मतलब कहाँ से पढ़ा है या कहाँ रहते हो ना, बेसिक नॉर्मल चीज है। यस यस यस, अभी मैं ये बोलूंगा कि आई एम फ्रॉम पाथशाहीबाग, श्रीनगर। अच्छा। एंड प्रोफेशनली I am a visual artist. और मेरी जो स्कूलिंग हुई है मुस्लिम पब्लिक स्कूल कुरसू राजबाग, तो जानते ही हो क्या आप? जानता हूँ, वहां से मेरी स्कूलिंग हो गई है, मुस्लिम पब्लिक स्कूल नाम है। 10th तक मैंने वहां पढ़ा, फिर उसके बाद मैं बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर गया, वहां मैंने 11th 12th वहां पे किया, 11th 12th एंड देन फिर मैंने उसके बाद एडमिशन लिया। तो जो मेरी लाइफ थी मतलब स्कूलिंग में, मेरा टाइम जो था मतलब इसमें मेरा मतलब ना पहले से ही काफी, जब से मैंने स्कूल में एडमिशन लिया सिंस फ्रॉम नर्सरी क्लास, तब से मेरे दिमाग में ये मतलब ना चलता रहा कि मतलब ये ड्राइंग्स के बारे में, आर्ट के बारे में। बिल्कुल। तो मतलब स्कूल में बैठ के भी इन चीजों के मतलब मैं काफी इंटरेस्टेड था इन चीजों, मतलब बचपन से ही आपको मतलब काफी बचपन से ही मतलब आर्ट में कलर पेंसिल वगैरह कलर्स मतलब ड्राइंग बुक मतलब ना ये जो नोटबुक्स होती थी, होमवर्क जो रखा मतलब स्कूल में दिया जाता था, तो घर में एक तो होमवर्क होती थी और दूसरी तरफ से ड्राइंग होती थी। बिल्कुल। और ड्राइंग पे मार पड़ती थी। तो ये सिलसिला चल, ड्राइंग पे बहुत मार पड़ रही है आजकल। बिल्कुल, ड्राइंग पे मार पड़ती। जब मैं नर्सरी में था तो एक बार हमारा पेरेंट टीचर मीटिंग होता था, जो पीटीएम जो होता है हर स्कूल में, तो मेरी मम्मा को मेरी प्रिंसिपल थी, उनका नाम था कीर्तन कोकिला, तो एक लोकल स्कूल था वहाँ पे, मतलब सॉर्ट ऑफ किंडरगार्टन। अच्छा। तो आई यूज्ड टू ड्रॉ दोस फ्लावर्स, ये होते ना सनफ्लावर रोज वगैरह। पीटीएम के दिन उसने बोला आपका बेटा बड़ा होके एम एफ हुसैन बनेगा। तो मेरी तो इसलिए मेरी नाम से बात होती है। अरे नहीं, हुसैन मेरा नाम है बिकॉज आई वॉज बॉर्न ऑन 10th ऑफ मुहर्रम, तो सब हुसैन हुसैन बुलाने लगे, तो अच्छा, तो इसीलिए हुसैन नाम पड़ गया। ओके, सो मुदस्सिर साहब, हाँ मुझे आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी सर बोलिए। जी फिर आगे जैसे 12th आपने किया, उसके आगे आपने फिर एजुकेशन, फिर ये
ये सिलसिला चलता रहा, मतलब ड्राइंग का वो स्केचिंग वगैरह वो के मतलब ना, फिर ये मतलब ना जब मैं फिफ्थ क्लास में पहुंच गया, मतलब फिफ्थ क्लास में जब चढ़ा मैं तो फिर वहां से मैंने मतलब सबसे पहले जो मेरी ड्राइंग थी ना, हाँ जी, ड्राइंग वो अलामा इकबाल जो है, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल जी, उसकी ड्राइंग, उसका स्केच मैंने किया था, उससे मैं काफी पॉपुलर हो गया मतलब ना। अच्छा अच्छा, स्कूल में मतलब जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे वहां के, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि मतलब भाई वाकई मैं आप मतलब आर्टिस्ट हूँ। ठीक ठीक, आप मतलब मैं, आप में स्किल है, आगे जाके इसमें मतलब ना काफी प्रोग्रेस होने का, हाँ बिल्कुल काफी चांसेस है प्रोग्रेस होने की। तो टीचर्स भी बोलते थे कि आपको इसमें मतलब ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। यस यस यस, तो ये चलता रहा मतलब उन दिनों ये भी होता था कि ये भी हो गया कि मतलब जो एक तरफ से मैं एज ए साइन बोर्ड्स में भी इंटरेस्ट रहा मेरा। ठीक, तो मतलब मैं ये बात कहने में शर्माऊंगा नहीं कि मैंने साइन बोर्ड भी लिखे हैं। बिल्कुल, टाइम में ना उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। तो मतलब ये बिगनिंग थी मेरी, तो बिगनिंग इन्हीं चीजों से होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने इसको कंटिन्यू रखते हुए तो फिर मतलब आगे चलते चलते मुझे फिर मतलब खुद समझ में आ गया। एक तो मेरी मतलब जो मेरी फैमिली है जी, जो मेरी मतलब मम्मी डैडी है, तो फादर मदर, उन्होंने मतलब काफी सपोर्ट किया मुझे इसके बारे में। इवन माय सिस्टर, अच्छा, वो सपोर्टिंग मी अ लॉट, तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब ये एनकरेज किया इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर उनके कहने पे मैं फिर वहां पे फाइन आर्ट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। ठीक, तो फिर मेरा ये कोर्स जो है ये स्टार्ट हो गया था वहां पे, आई थिंक 2007 ओके 2011 मैंने 5 years का कोर्स किया है। अच्छा, तो फिर ये काफी इम्प्रूव होता गया मेरा आर्ट जो है, काफी इम्प्रूव हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स फ्रॉम राजबाग, उन दोनों ये राजबाग में हुआ करता था। ये तो पता ही हो गया आपको। अच्छा, ये पहले राजबाग में था जी, आफ्टर फ्लड क्या हुआ गया, शिफ्ट हो गया ये। अच्छा, फ्लड के बाद 2012 में जो फ्लड आ गया उसके बाद शिफ्ट हो गया यूनिवर्सिटी। एफिलिएशन जो है इसकी तो वो कल्चरल एकेडमी के साथ पहले हुआ करती थी। अच्छा ठीक, जो एफिलिएशन है वो भी यूनिवर्सिटी के साथ है इसकी। तो ऐसे तो उसके बाद फिर मैंने मतलब जॉब में अप्लाई किया, तो इस दौरान मैंने स्कूल्स में भी जॉब की एज एन आर्ट टीचर, और मेरा म्यूरल्स के साथ भी रहा, म्यूरल पेंटिंग। मैंने सुना है आपके, रिसेंटली आपने देखी होगी मेरी वीडियोस। हाँ हाँ जी, उसमें मैंने ये मेंशन किया है कि मतलब मतलब अभी स्टिल मतलब ना प्रेजेंटली प्रेजेंट में अभी ये म्यूरल पेंटिंग ये प्रोफेशन है मेरा, और स्टूडियो भी रहा है मेरा जहाँ पे मैं खुद भी काम करता था और अपने साथ और ये जो स्टूडेंट्स वगैरह है उनको भी पढ़ाता था। उसके बाद ये जो और टीचिंग में भी हो आप शायद, पिछली बार जब हमने बात की थी। आर्ट टीचर भी रहा मैं, और मतलब ना वहां मुझे लगा आर्ट टीचर मतलब उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं था। अच्छा, बट यहाँ पे जो हालात है, यहाँ पे जो डिस्टर्बेंसेस हैं कश्मीर में, मुझे नहीं लगता है कि आर्टिस्ट के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स यहाँ अवेलेबल है कि उसको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी जॉब मिले कि मतलब ना फर्दर वो सर्वाइव कर पाए, मतलब अच्छा मतलब ये जो अपनी लाइफ है उसको फुलफिल कर पाए। मतलब यही मैंने देखा है कि मोस्टली जो लाइक फाइन आर्ट्स की डिग्री या मास्टर्स इवन जो होती है, तो वो लाइक अल्टीमेट एम यही होता है कि वी हैव टू गो इनटू द टीचिंग, मतलब आर्टिस्ट कम ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बट मतलब ना ये मतलब ना आर्टिस्ट के लिए आर्टिस्ट इसमें फंस जाता है ना, मतलब बाउंड्रीज विद इन बाउंड्रीज में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शंस फ्रीडम नहीं मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीडम नहीं रहती है इसमें कि मतलब
जैसे कि ग्रेफिटी आर्ट, म्यूरल आर्ट, उसमें बहुत फ्रीडम होती है कि मतलब अपने हिसाब से इंसान जैसे इमोशंस एक्सप्रेशन। यस यस यस, जो रिसेंटली आपने देखी मूवी मेरी ग्रेफिटी आर्ट जो है, रिसेंटली आपने सब लोगों ने देखी जी, इवन मतलब वर्ल्ड वाइड वो जो है उसकी ये न्यूज आ गई, वो चर्चा हो गया उसका, तो काफी लोग, काफी सारे लोग उससे अवेयर है। तो मतलब मुझे लगा कि उसमें बहुत फ्रीडम है एज कंपेयर टू जो मतलब स्कूल में बिल्कुल एज एन आर्ट टीचर वहां पे जो बंदिशें होती है वहां पे नहीं कर पाते हैं काम, सोच नहीं सोच पाते हैं, मतलब ना फ्रीडम नहीं होती है वहां पे, वहां पे बस मतलब टीचिंग जो टीचिंग स्किल्स जो होती है उनको फॉलो करना पड़ता है, मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। इट इज बेस्ड ऑन द स्किल्स, आप स्किल्स उनको प्रोवाइड करते हो ना कि मतलब थॉट प्रोसेस या मतलब या विजन जो एग्जांपल कह सकते हैं, मतलब बस आपका काम है उनको स्किल्स सिखाना। बिल्कुल बिल्कुल, स्किल्स स्किल्स सिखाना, बट ये तो यहाँ पे तो मतलब ये तो उसके बरक्स है उसके, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब बाहर काम करना फील्ड में। बिल्कुल, लाइक मतलब वुलर में मैंने रिसेंटली काम किया म्यूरल का, तो मुझे बहुत मजा आया वहां पे, मैंने बहुत एंजॉय किया। तो ये लग रहा था मुझे कि जैसे मैं पिकनिक आया हूँ वहां पे, तो मतलब काम के साथ साथ ना मतलब मजे भी किए हैं, ऐसा नहीं था कि मतलब कोई पीछे से। So, ये कहाँ पे म्यूरल आपने किया था जो अभी रिसेंटली किया आपने? रिसेंटली मैंने जो म्यूरल किया था वो वुलर लेक में किया था। वुलर लेक, हाँ, इंक्लूडिंग मतलब और दो बंदे थे, हाँ, साथ में कलेक्टिव वर्क होगा प्रोबेबली। So, आपको याद है when we used to go paint landscape, जो वाटर कलर्स करते थे एक डेढ़ साल पहले, दो साल पहले, जब हम काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम शायद वैसे ही मिले थे, मतलब दैट वाज आवर फर्स्ट यू नो इन्वॉल्वमेंट विद ईच अदर, जब हम वहां पे गए थे इन डल लेक, जब हम गए थे तब। मैंने आपको लिया था वहां पे जी, नावपुर जी, जो डल लेक साइड है वो जानते होंगे, क्या नाम है उसका, तफजुल। हां हां, तो वहीं से गए थे हम, हुसैन से पहले मिले थे, तो नासिर ने बुलाया था इनको जी। तो अच्छा रहा स्पॉट, मतलब वो क्लीन एयर पेंटिंग स्पॉट पे। तो ये जो म्यूरल आपने किया, द म्यूरल यू डिड जो वुलर लेक में किया शायद आपने, सो दिस कैन बी अ सॉर्ट ऑफ क्लीन एयर पेंटिंग लाइक ऑन, ऑफ कोर्स बट इट इज ऑन अ वेरी बिगर स्केल, मतलब एक बहुत बड़े सरफेस पे किया, सो दैट इज इवन ट्रांसेंडिंग बियॉन्ड दैट स्मॉल पीस ऑफ पेपर, छोटे पेपर से भी पार गए आप, तो दैट इज वेरी यू नो बहुत, इट क्रिएट्स अ हेल लॉट ऑफ यूटिलिटी, बहुत मजेदार होगा आपके लिए, बिकॉज यू आर यूज्ड टू वर्किंग ऑन वेरी लार्ज कैनवासेस, वेरी लार्ज सरफेसेस। यस यस, ये तो मतलब मेरे लिए कैनवस ही है, एवरी वॉल इज कैनवस फॉर मी। मतलब पर्सनली आई नो ऑल ऑफ योर वर्क, मतलब मैं आपका सारा काम जानता हूँ, हम काफी कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो मतलब आपके काम काफी बड़े बड़े, मतलब यू हैव डन बिग म्यूरल्स इन कश्मीर लाइक इन डिफरेंट लोकेशंस, तो दैट इज वन बेसिकली मुझे लगता है कि मतलब सिर्फ भाई ने सब कुछ किया है जो एक आर्टिस्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल मतलब टीचिंग भी की है, वो पेंट बोर्ड्स भी किए हैं, लाइक जो ना चर्चे होते हैं कि मतलब आर्टिस्ट को ये हो गया वो हो गया, मतलब सब कुछ होता है। मतलब मेरी कोशिश रही कि मतलब कैनवस ही नहीं है ओनली, मतलब आप समझो कि कैनवस देयर आर लॉट्स ऑफ मीडियम्स। याद है जब मैं आई फोर्स यू टू यूज योर ओन सेल्फ टू क्रिएट अ वर्क, याद है जब हम मेरे कमरे में थे, मेरे स्टूडियो में थे, व्हेन यू क्रिएटेड दैट पीस ऑफ वर्क व्हिच हैड लॉट ऑफ योर यू नो कंसाइंस इनटू इट, तो दैट वीडियो वो मेरे पास अभी भी होगा, मैं बाद में आपको भेज दूंगा। तो आई गेस दैट वॉज फर्स्ट टाइम यू परफॉर्मिंग एंड बींग एन आर्ट वर्क इन योर ओन सेल्फ, तो so that is a real beautiful thing, like in terms of painting we have experienced many surfaces, many sorts of surfaces, like you have painted small paintings and at the same time painted you know hell lot of whole
huge amount of surface. So this is the type of art you enjoy, you know, painting murals. Yes. Okay, so एक बार हमारी बात हो रही थी अबाउट लैंडस्केप, तो आपके व्यूज थे, तो याद है आपको जब हम तफजुल भाई के घर पे थे डाउन टाउन में ये रहते हैं, तो इट शोज लाइक यू आर कनेक्टेड विद लैंडस्केप अ लॉट, मतलब लैंडस्केप से आपका काफी ज्यादा जुड़ाव है बाहर तो इवन आपके पीछे जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है जब आप ये कर रहे थे तो आई गेस एक जगह थी वेयर आपने ये किया था, तो मैं भी था वहाँ पे और भी थे, तो सो दैट हैज वेरी ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लैंड एंड इवन फिगर जो वो ये काम में आप थोड़ा सा अगर दिखा सकेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क थोड़ा सा जी अच्छे से देख सकते हैं उसको जी, बट ये जो ब्यूटीफुल टक्कर है ना ये थोड़ा सा ग्लेयर आ सकता है बिकॉज ऑफ ऑयल पेंटिंग ग्लॉसी होते हैं ये ऑयल पेंटिंग यस जी लैंडस्केप जो है ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसके हम स्क्रीन पे अलग सी फोटो डाल सकते हैं हाँ वो डाल देंगे, इवन वील पुट द फोटो ऑफ द वर्क यू डिड रिसेंटली जो वुलर में आपने किया है तो वो भी डाल देंगे, सो इवन जो वुलर में किया था दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू सम शिकारा या कुछ वैसा ही था, यस 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 रिलेटेड उन्हीं चीजों मतलब जो सराउंडिंग में थे आपने देखा जो एक्सपीरियंस किया था यस 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 वुलर लेक में जो चाहे वो किंगफिशर है मतलब बोटमैन वगैरह वगैरह उसके रिलेटेड जो ये चीजें वहां पे ना मतलब इनको करना था मतलब उस पे म्यूरल में जी वुलर के रिलेटेड जो भी वहां पे तो वैसे जब हम पेंट करते थे वाटर कलर्स में एक डेढ़ दो साल पहले या ढाई साल पहले या तीन साल पहले जब हम मिले थे पहली दफा तो उस समय में आपका जो अप्रोच था टू पेंटिंग वाज बिट डिफरेंट, सो हाउ डू यू एक्सप्लेन योर प्रोग्रेशन, क्योंकि अभी आपका आप यू आर इनटू स्केचिंग एज वेल, तो यू हैव क्वाइट अ गुड होल्ड ऑन पेंसिल एंड ग्रेफाइट, जैसे वो एक पोर्ट्रेट आपके पीछे लगा के है, तो आप थोड़ा सा इस बारे में बात करें कि क्या लाइक व्हाट आर योर मीडियम्स जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसमें आप यू एंजॉय, जैसे वाटर कलर, स्केचिंग, ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक्स, क्या लाइक तो वाटर कलर्स में यू यूज्ड टू ये मेरी ना एक्चुअली पहले मेरी बात सुनिए, ये जो मैं कर रहा हूँ डिफरेंट मीडियम्स यूज मतलब वेदर इट इज चारकोल पेंसिल एक्रेलिक कलर ऑयल कलर, एक्रेलिक तो मैंने अभी किया नहीं होता, ये जस्ट मेरी एक्सपीरियंस मतलब क्या बोलते हैं इसको एक्सपेरिमेंट्स है जी, ये मेरी एक्सपेरिमेंट्स है मतलब डिफरेंट मीडियम्स के साथ खेलना, मीडियम मेरा एक ही फेवरेट है वो है ऑयल कलर बिल्कुल जो मैं कॉलेज से करता आया हूँ, कॉलेज में मैंने सबसे ज्यादा मीडियम जो है वो ऑयल कलर यूज किया है ऑयल कलर, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक्रेलिक कलर पे भी काम किया जाए, मतलब होल्ड तो होना चाहिए हर पे हर मीडियम पे मीडियम पे बट यस 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 मीडियम पे होना चाहिए हर एक, ये एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए हर एक मीडियम में बिल्कुल, जैसे से फिर समझ आएगा ना कि मतलब किस में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है या किस में मेरी बिल्कुल बिल्कुल और ये भी पता चलता है मीडियम के बारे में पता चलता है बिल्कुल, आपको ऐसा समझ में मीडियम के बारे में भी पता चलता है बिल्कुल जी, मतलब मैं बोलूंगा आपको आप मतलब चाय पीते हैं हम तो हम मतलब टेस्ट जब देखते हैं उसका चाय मीठी लगती है अच्छी लगती है तो बट जब बनाते हैं चाय हम बनाते हैं फिर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के जी आपको ऐसा समझ में मतलब हाउ टू क्रिएट, सो ये थी बात लाइक मीडियम्स के बारे में कि मतलब आपने क्या मीडियम्स एक्सप्लोर किए, जैसे हुसैन भाई ने भी बोला, तो लेट्स टॉक अबाउट कि मतलब आपके सब्जेक्ट या थॉट प्रोसेस क्या रहे हैं, मतलब आपने लाइक स्टार्ट से लाइक कोई मतलब एक मतलब पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट होता है कुछ लाइक फॉर एग्जांपल नेचर होता है पोर्ट्रेट्स होता है, तो मतलब उसके बारे में बताइए कि आपका कैसा मतलब सब्जेक्ट जो है
मतलब वो कैसे आप सिलेक्ट करते हो, या मतलब क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो रहा है, मैंने ये भी बोला, मैंने नेचर की बात ही की, जो लैंडस्केप की बात की मैंने, वो तो नेचर में ही आता है ना। तो एक तो मुझे नेचर, मतलब नेचर है ही ऐसी चीज की, मतलब हर हर एक को मतलब ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इंस्पायर करती है, आपको ऐसा समझ, इंस्पायर करती है, बिकॉज मतलब ये गॉड हैज क्रिएटेड इट, मतलब इसमें कोई इंसान का अमल दखल है ही नहीं। बिल्कुल, नेचर जो है मतलब कुदरतन ये हर एक को मतलब अच्छी लगती है, मतलब चाहे वो हम जाते हैं पहलगाम, पहलगाम में क्या है, वहां पे ताजमहल बनाया क्या? नहीं, बिल्कुल नेचर ही है, इट्स ऑल मेड बाय गॉड, एंड गॉड हैज, मतलब ये चीजें, मतलब फिर इसको आर्ट में, आपको आया समझ में, जो हम बोल रहे थे कि वो एस्थेटिक्स के बारे में, बिल्कुल मतलब एस्थेटिकली these things are beautiful, मतलब अल्लाह ने जिस चीज को पहले बनाया है, यस यस यस, जिस चीज को भी अल्लाह ने बनाया है वो तो खूबसूरत है। इस चीज में भी आपने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने पोर्ट्रेट्स वर्क, पोर्ट्रेट वर्क्स भी की है, लाइक ग्राफिटी भी करते हो आप, म्यूरल्स भी करते हो आप? ग्राफिटी भी करता हूं, यस यस, मेरा जो पोर्ट्रेट है ये भी मेरा सब्जेक्ट है, पोर्ट्रेट लाइफ स्टडी वगैरह वगैरह एनाटॉमी, वो इसलिए क्योंकि ये जो मतलब इंसान जो है ना, ह्यूमन, ह्यूमन को बनाया ही है मतलब गॉड ने, मतलब थोड़ा डिफरेंट ही, अगर आप देखोगे इंसान जो है, एनिमल्स देखो आप, बहुत सारी लिविंग क्रिएचर, क्रिएचर जो है या मतलब जमीन पे, तो मतलब इंसान जो है मतलब आर्टिस्ट के लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, सब्जेक्ट है, वेदर इट इज मतलब फीमेल और मेल, बिल्कुल, वैसे तो फीमेल पे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब ब्यूटी है, एस्थेटिक ज्यादा लगता है, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिस्ट के लिए तो ब्यूटी ब्यूटी है। तो ये जो है मतलब एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, मतलब इसका इस पे फोकस रहा है, मतलब सिंस फ्रॉम मतलब रेनेसांस आर्ट, आप देखिए मतलब फिगरेटिव आर्ट कितना, मतलब जो आर्टिस्ट थे, बिल्कुल 600 साल पुराने आर्टिस्ट, चाहे वो डाविंसी हो, माइकल एंजेलो हो, मतलब उनकी, उनका आर्ट आप देखिए, वहां पे आपको मतलब ह्यूमन फिगर सी दिखेगी ज्यादा, बिल्कुल आपको आया समझ में, बिल्कुल बिल्कुल, इंसान तो है ही अशरफुल मखलूकात, आपको आया समझ में, और खूबसूरत भी इंसान को ये बनाया है अल्लाह ने, और आर्टिस्ट के लिए है मतलब, मतलब ये अच्छा, मतलब अच्छा ये सब्जेक्ट है, अच्छी चीज़ है, ह्यूमन बीइंग्स, अच्छा सब्जेक्ट है, आपको ऐसा समझ में, नहीं तो मतलब मतलब इतने सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारे आसपास, तो इंसान जो है मतलब एक तो इंसान अल्लाह ने खूबसूरत बनाया इंसान को, आपको ऐसा समझ में, अशरफुल मखलूकात, और मतलब भाई इसीलिए मतलब बात रही कि मतलब चीजों में यू फाइंड दे आर लाइक एस्थेटिकली प्लीजिंग, ऐसे बोल सकते हैं हम, जो हम ट्यूटोरियल्स देखते थे, मतलब still it's a, it's something that figurative art की ये चीज अच्छी है कि it, इसमें knowledge लगती है, इसमें मतलब focus लगता है, for example there comes a time when you gain some skills, then you do it like freely, जैसे हम cycle चलाते हैं, we don't think about we are driving the cycle, but in figure studies उसमें थोड़ा सा thought process पहले लगता है कि मतलब नॉलेज लगती है कि ये मसल यहाँ है, मतलब याद रखना पड़ता है, कशरी पिटागोरस मानो, मतलब लिटरली याद रखना पड़ता है कि अगर ये मसल ऐसे पुल होगी तो कैसे दिखेगी, इवन मिकेलेंजेलो के जो फिगर्स थे कुछ उसमें यू कैन सी दोज माइन्यूट मसल्स व्हेन दे लाइक व्हेन यू लिफ्ट सम वेट एंड व्हेन सम मसल्स आर विजिबल, इवन ही हैज लाइक डन दोज मसल्स, सो इसमें लाइक बहुत टाइम लगता है, जस्ट लाइक अ डॉक्टर who studies the you know humans like anatomy. For his lifetime for the anatomy,
सेम थिंग इसमें भी है कि मतलब इसमें सीखता रहता है इंसान. तो फॉर लाइक हाँ इफ यू वांट टू ब्रश योर स्किल्स it's a good it's a good practice it's a good form even you have artists anatomy a set of anatomy prescribed for artists so that is taught in colleges and places I mean in medical college teach academic arts so artists anatomy is a thing like you must be knowing about you guys must be knowing about because you deal in certain sort of practice human figure jo hai na ye hai hi aisi cheez ki प्रोपोर्शंस आ जाते हैं थोड़ी सी मूवमेंट हो जाएगी गेस्चर चेंज हो जाएगा तो फिर देखिए आप मतलब इट गिव्स यू द आर्सेनल गिव्स यू द पैकेज लाइक एक वेपनरी आपके पास होती है कि यू कैन लाइक मोल्ड फिगर्स और डू फिगर्स सो लाइक एक और चीज मैं आपसे लाइक पूछना चाहूंगा फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि सब्जेक्ट्स ज्यादा नेचर के रिलेटेड ही रहे हैं क्या मतलब कभी आपके सब्जेक्ट्स मतलब पॉलिटिकल रहे हैं इससे पहले कहीं ना कहीं हमारे आर्ट में ये दिखेगा ही फॉर एग्जाम्पल पिकासो ही वॉज लाइक नॉट इन टू पॉलिटिक्स ही टेंडेड टू अवॉइड इट मतलब बहुत उसने अवॉइड किया But there was a time he did that painting, jo Gornika, I think it's called, jo wo badi painting thi, where he did those, you know. But still, like, it affected somehow. So, like, he expressed it in the form of painting. Like, we do express, like, artists, they do express in form of, like, the visual art. Jaise aapne bola, you are a visual artist. So, we do express ourselves in that way, whether it's, like politics is our like norm a part of our life theek hai politics is found everywhere like even in terms of art there is art politics like sort of thought and thinkings and ideologies revolving in the art world bilkul like if I say Mudassir's work is a bad piece of work it's a political statement you know so and yesterday we were having a discussion about a few things and we had things as bad art, low art, high art and such good art and bad art came. Good so art, these right. are all political statements in terms of art politics. So politics is an integral part of everyday living. Even we have politics like household politics, like ghar mein jo politics hoti hai. See, like there is your father, there it. is, like, a, it's, it there is no escaping. It is realism. Yes, politics yes, is about realism. It's reality. So it always goes like abhi to matlab in cheezon ki possibility bahut hai matlab contemporary art mein as compared to matlab impressionism modern art wo matlab wo cheeze jo hoti thi usme wo kisi matlab specific subject pe based hoti thi bilkul to lekin ab ye matlab isme bahut sari possibilities matlab aaj hame milti hain जो कि आपने अभी डिस्कस किया था पसंद फाइन है कि मतलब पॉलिटिक्स का मतलब इफेक्ट करती है हमें वन वे और अनदर इफेक्ट करती है हमें इफेक्ट करती है वैसी बात नहीं है मतलब हमारे आर्ट को भी सोशल इश्यूज पॉलिटिकल इश्यूज मतलब अब ये मतलब इससे तो हम वो तो है एस्केप तो नहीं कर बच नहीं सकते बच नहीं सकते हैं बट मतलब आर्टिस्ट हैज अ फ्रीडम मतलब बिल्कुल मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मतलब वी हैव टू यस वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इट्स लाइक जैसे लोग जैसे बात करते हैं वी पेंट फॉर एग्जांपल पीपल व्हेन समथिंग हैपेंस दे टॉक अबाउट इट मतलब वर्बली मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया आवर वे टू एक्सप्रेस इज टू शो इट विजुअली लाइक टू पेंट या दिस इज द विजुअल लैंग्वेज This is our visual art, जो है मतलब this is our visual language. It can be visual, literary, literally it can be performed yeah, yeah. and in many performed, other ways. Bilkul, like there are nine muses in art. Like there are nine sorts of different arts, like, forms of expression. So
But मतलब सिर्फ form would come under those particular muses as a visual artist. So मैं मतलब so इस हिसाब से मैं बोल रहा था. हाँ so if so we have you have the tendency you know to express yourself. So ठीक है तो और बात करते हैं how मतलब पहले when we used to go on watercolors your works revolved around pointillism मतलब वाटर कलर में जब आप ब्रश स्ट्रोक जो देते थे यू मेजरली यूज्ड राउंड ब्रशेस यस तो उसमें क्या होता था यू क्रिएटेड डैब्स लाइक गोल 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 डैब्स एंड आई हैड वेरी आई फाउंड अ वेरी स्ट्रांग अपील ऑफ द मूवमेंट पॉइंटलिज्म एंड डिविजनिज्म एंड यू नो फॉविज्म एज वेल सो इट सो हाउ डू यू रिलेट योर आर्ट वर्क बीइंग अ वर्क ऑफ इंप्रेशनिज्म कह सकते हैं आप मॉडर्न आर्ट जो है इसकी जो डिफरेंट मतलब पीरियड्स है क्या बोलते हैं इसको इम्प्रेशनिज्म है फॉविज्म है क्यूबिज्म है दादाइज्म है सुरलिज्म है ये जो इम्प्रेशनिज्म है ना मेरा फोकस इस पे ज्यादा रहा है सो आपका स्टाइल भी उसी के अराउंड डेवलप हो चुका है तो व्हेन वी यूज्ड टू वर्क वी यूज्ड टू आई यूज्ड टू टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट रियलिज्म एज वेल जो हमने पिछले एपिसोड में शायद बात की थी तो जैसे वो पीछे आपका काम है तो इट हैज दैट क्वालिटीज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड अगेन एट द सेम टाइम हैविंग क्वालिटीज ऑफ रियलिज्म एज वेल So you have and we have worked on to it a lot like from copying John Singer Sargent to painting on the banks of Dull Lake so this is how things have had revolved around you and me at the time when we used to go out and paint so I said Tafazzul bhai have you ever encountered landscape painting Because it is very natural for artists who learn and they go out and they paint. Nahin. So have you ever? No, I have never tried. I say landscape painting or plein air. Because the thing is, I explored a lot. Like, मैंने काफी explore किया before like learning art. तो द थिंग जो मुझे लगा कि आई कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस लाइक देयर वाज समवन आई कांट रिकॉल हु सेड दिस ही सेड कि इफ यू कैन ड्रॉ फिगर्स यू कैन ड्रॉ एनीथिंग सो स्किल वाइज इट फेल्ट कि फिगर ड्रॉइंग इज अ गुड लाइक वेपनरी टू हैव इन योर आर्सेनल लाइक इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ फिगर्स यू कैन लाइक ओके बट स्टिल इट इज नॉट एज गुड ऑफ एज अ वेपनरी लाइक A high-level weaponry. I would prefer a blank canvas. Yeah. You know, a blank canvas. A blank canvas has more skill-wise. I'm saying it's skill-wise. I'm saying not. I don't know what you are coming from, but skill-wise, I will say it's a good weaponry to have when you can draw. It's a good. It's a good one. position or anything. So coming to the landscapes. ठीक है लैंडस्केप्स आई फील कि इट्स बेटर टू डू अ प्लेन एयर बट मैंने अकेले कभी मतलब मन हुआ बहुत काफी लाइक आई शुड गो आउट एंड ड्रॉ आउटडोर्स बट इट फील्स लाइक वियर्ड इन लाइक मतलब इवन इन श्रीनगर थोड़ा सा अजीब लगता है कि सड़क पे ऐसे हम बैठे हैं कुछ बना रहे हैं तो व्हेन वी आर लाइक गैदर्ड अराउंड सम आर्टिस्ट जो मतलब लगता है कि थोड़ा सा उनका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसी का थोड़ा काम कर रहा है So maybe that's why I never tried, you know, even though I have studied about the perspective, the atmospheric perspective, jo cheez hai isme basics mein jo fundamentals, yes, fundamentals. But I know about those fundamentals, but I have never tried. Maybe I'll try. There's a difference between fundamentals and the things you're talking about. Like we can't put. That to get you know, started atmospheric perspective in terms of fundamentals basics yeah, fundamentals basics. Fundamentals like you know it like an basics to get started stuff depends always depends so aur kuch for my
दोनों जनाब आपका टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा खासा है तो हाउ शुड आई स्टार्ट इफ आई वांट टू गो इनटू लैंडस्केप पेंटिंग इसका मेरा क्या मुदस्सर साहब का मुदस्सर साहब आप थोड़ी पढ़ा रहे जी मेरा लैंडस्केप के बारे में लैंडस्केप तो मतलब पहले जब मैं कॉलेज में मुझे सीखनी होगी आई थिंक ये जो क्लीन एयर है मतलब बेटर है मतलब एक नॉन प्रोफेशनल के लिए या प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल दोनों के लिए मतलब अच्छी चीज है कि मतलब क्लीन एयर में काम करना थोड़ा डिफरेंट है मतलब स्टूडियो में काम करने से मतलब फोटोग्राफ अगर आपकी रेफरेंस हो तो उससे बेटर है यस 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 प्लेन एयर उससे ज्यादा मतलब बेटर है वो भी ठीक है अगर उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाती है जो हम बाहर करते हैं नेचर में ठीक उसमें बहुत फर्क होती है स्टूडियो में करने से फोटोग्राफ में देखने से आपको आया समझ बिल्कुल सनसेट जो हम आगे देखते हैं या फोटो पे देखते हैं तो जमीन आसमान की एक डिफरेंस होती है यस 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 बिल्कुल 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 फोटो मतलब जो आपको रियल में दिखता है वहां पे अपने आंखों से तो कैमरा मतलब वो मतलब ना सारा कैमरा आपको लिमिटेशन कैप्चर नहीं कर पाता हाँ, वो एक लिमिटेशन मतलब कैमरा है ऐसा है ये फोटो तो ऐसा ही इसके अराउंड ही कुछ बनेगा बट वेन यू एक्सपीरियंस इट तो थोड़े इमोशन भी लाइक अटैच्ड होते हैं मतलब बहुत सारी चीजें होती है यस 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 और इसमें जो पहले की ये जो बेसिक्स की बात करते थे आप फंडामेंटल्स की बात करते थे आप उसमें है ना मतलब मैं जब लैंडस्केप करता था तो ये चीजें मेरे दिमाग में मतलब वहां पे जो टीचर थे अनफॉर्चुनेटली वो सारा ये डिस्कस नहीं कर पाते थे कि मतलब लैंडस्केप में ऐसे ये एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव जो आपने बोला भी तो ये मैंने खाली पर्सपेक्टिव सुना था बस पर्सपेक्टिव ठीक पर्सपेक्टिव मतलब आगे जो चीज दिखती है वो बड़ी दिखती है जो पीछे जाती है वो छोटी हो जाती है आपको है समझ में तो रेलवे ट्रैक पे जी बैठो फिर रेलवे ट्रैक पे जो अब जब आप अपने करीब देखोगे तो वो वॉइड दिखेगा बिल्कुल बिल्कुल फिर वो वैनिश हो जाती है वो लाइंस आखिर में आपको समझ में ये पर्सपेक्टिव हमें सिखाया जाता था मगर ये जो एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव है इसके बारे में आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला था एक तो एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव फोकल पॉइंट क्या होता है रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें की मतलब एक चीज भी ना कि आपका जब मतलब कॉलेज था तब मे बी इतना इंटरनेट एडवांस नहीं था जितना आज है जितनी ये भी काफी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए इंटरनेट बहुत सारी चीजें मैंने इस पे भी सीखी तो तब ऑब्वियसली थोड़ा सा लिमिटेशंस रही होंगे कॉलेज में क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता है कॉलेज में बहुत ऑनलाइन ही ज्यादा सीख पाते हैं यस यस उससे ज्यादा मतलब जो वहां पे बेसिक्स सीखा ना हमने बेसिक्स पढ़ा हमने हम बी की बात नहीं करेंगे मतलब एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म की बात नहीं करेंगे मैं बेसिक की बात करता हूँ जब हम लैंडस्केप की बात करें फिगर ड्राइंग की बात करें पोर्ट्रेट्स की बात करें तब मुझे लगता है कि मतलब इंटरनेट इज द बेस्ट सोर्स फॉर दिस थिंग्स फॉर दिस इश्यूज इंटरनेट इज अ क्विक सोर्स रादर देन सेइंग बेस्ट सोर्स कॉलेज में लाइब्रेरी हुआ करती थी हमारी मतलब लाइब्रेरी में दिन में एक दफा जाते थे हम आधे घंटे के लिए आपको आया समझ में तो आधे घंटे में पढ़ना मतलब ये सारी चीजें एक साथ पढ़ना मतलब This was totally मतलब impossible for us कि मतलब ये सारी चीजें एक साथ दिमाग ऊपर से वो जो practicals हुआ करते थे समझो कि अगर 8-9 period होते थे 8 period हमारे लिए practical होते थे एक period होता था कि library वो भी हफ्ते में 2 या 3 दिन में आता था वो कि मतलब library के लिए एक period हुआ करता था जी तो उसमें हम ये मतलब ना इतना सारा कुछ स्टडी नहीं कर पाते थे जबकि मतलब इंटरनेट जो है अच्छा
24 आवर्स यू कैन यूज इट विदाउट एनी. अच्छा ठीक ठीक. तो मुझे सिर्फ एक मतलब सवाल है आपसे, तो लाइक आप लोग पढ़ते थे लाइक कॉलेज में आर्ट हिस्ट्री, और अगर पढ़ते थे आप तो कितना जरूरी है? शुड यू नो अबाउट द आर्ट हिस्ट्री और इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एनी मोर? किसी मतलब हद तक इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसा मुझे किसी हद तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मतलब ट्रेडिशनल आर्ट जो चलता आ रहा है तो इसमें काफी सारी चीजें पता चलता है हमें कि मतलब जब हम किसी ओल्ड मास्टर किसी ओल्ड मास्टर की कॉपी करते थे, मतलब उसकी कॉपी स्टडीज करते थे, कि उसमें ये बोला जाता था कि मतलब हाउ टू डील विद कलर्स, आपको ऐसा समझ में? हाँ, मतलब इस आर्टिस्ट ने ये मतलब प्रॉब्लम कैसे टैकल की है, पर्सपेक्टिव की या शैडोज की? बिल्कुल स्टडी, मतलब उसमें काफी सारी चीजें मतलब क्लियर हो जाती थी कि बिल्कुल बिल्कुल ये हो गई, मतलब स्किल की है, मतलब हो गई स्किल की बात हो गई. मैं बोल रहा हूँ कि नॉलेज टू हैव अ नॉलेज कि इंप्रेशनिज्म क्या है, रेनेसांस पीरियड क्या है, इज इट नेसेसरी टू हैव दिस नॉलेज कि इंप्रेशनिज्म कैसे अराइज हो गई या रेनेसांस पीरियड कैसे आ गया, मतलब ये जो आर्ट मूवमेंट है ये कैसे आ गई, इमर्ज हो गई, इस हिस्ट्री के मैं बारे में बोल रहा हूँ, इज दिस नॉलेज नेसेसरी? पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर हुसैन थोड़ा सा रोशनी डालेंगे. यस यस यस, मतलब इन दीज पीरियड्स, मतलब ये जो इंप्रेशनिज्म का टाइम था, मतलब ये मतलब ना जो ही मतलब साइंस ने तरक्की की, मतलब बिल्कुल थोड़ा साइंस जितना एडवांस हो गया, थोड़ा जितना प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी शायद उसी टाइम आ गया था. यस यस यस, इन चीजों से भी मतलब इसपे काफी असर पड़ गया कि आर्ट पे जो है काफी असर पड़ गया. मतलब अगर आप देखोगे कि मतलब उस टाइम अगर आप देखोगे कि मतलब प्लेन मतलब इन्वेंट नहीं हो गया था, ठीक, फोन वगैरह हो रहा था, मतलब जो ट्रेडिशनल आर्ट रहा है, मतलब उसके बाद मतलब जो आज हम कर रहे हैं कंटेम्पररी आर्ट जिसको बोलते हैं, तो मतलब इसमें मतलब कितनी चेंजेस आई आज, मतलब कैसी कैसी चेंजेस आई आज, कितनी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई मतलब चेंजेस के साथ, आपको ऐसा समझ में? ये जो लाइक आप पॉलिटिक्स की बात करते थे, पॉलिटिकल इशू, सोशल इशूज, आपको ऐसा समझ में बहुत बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होती गई. आपको ऐसा समझ में ये मतलब एक सब्जेक्ट पे नहीं रहा फोकस, जैसे कि मतलब इंप्रेशनिज्म में होता था, आपको आया समझ में? बिल्कुल. फोविज्म में होता था. बिल्कुल बिल्कुल. तो मतलब हुसैन साहब थोड़ा इसको अब इलाबोरेट करना चाहेंगे, लाइक डू यू वांट टू हैव एन अबाउट पॉलिटिक्स और हिस्ट्री और नो आई एम सेइंग कि डज एन आर्टिस्ट शुड नो अबाउट द आर्ट हिस्ट्री, इज इट मैंडेटरी, इज इट नेसेसरी, इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाटएवर इज इट? Like if you want to know about art, like history is one of the ways to go and the biggest way to get to know about art, because knowing art is a very unknown thing, like you know art is a very unknown statement. Bilkul. So if you want to know about, you'll have to revert back to history, and history is the only way to know about art, I guess. And even like more ways to knowing about is obviously your involvement in the artist around you and the artworks revolving around your place and your surrounding. But history is the best way to get to know about art. And yeah, if you want to produce a work in, you know, contemporary attire, you'll have to know what has already been done, like by the artists. Like you have a very limited time span, like a living time, like about 60-70 years or so. So you cannot all go and get everything innately out of nature and out of realism, or you'll have to get everything, like you cannot explore. Like other than that, you'll have to start from mixing creating your own pigments from scratch.
So it all goes, it is all continuous. Like we, every work done is a part of history, and it helps it to, you know, be progressive. And coming to modernity, like in modernism, like all the epochs and all the times, like it has had helped, it has paid, you know, certain steps to shape the social conditions and circumstances. You know, like the historical art movements, like which were intended to create a certain sort of aesthetic coup, like where the previous aesthetics were screwed up by the people, like by the people of Dadaism or Futurism or Surrealist painters or people of avant-garde operation. So these are all avant-garde forces, you know, opposed mainstream and traditional styles to create a reformative style. So an avant-garde is a very, it's one of the most political scenes in the world of art. Sorry to interrupt, you keep like bringing up this term, the avant-garde. So what is it exactly? Avant-garde is work done which is very tough to classify if it is a work of art or not, and it is a sort of work unseen, you know, a work created like a work which has never been sensed before. Like that can be considered as a work of avant-garde. Like Impressionism was an avant-garde force back when it was new, like when it was initiated. But now it can be considered as a traditional and as a historical antiquity. So avant-garde keeps up oppressing more, you know, new reforms. So so it is a very big political statement, very big political terms. And then there are artworks like, there are artists like Ai Weiwei and artists like Banksy, like where street art and art done for society and things are done. So like the like street works done on street are very powerful. Like it is very straightforward. You know, it is very easy to be communicated with the audience or with the people on top. So because there is no medium, there is no gallery, so there is no conjunction in between. So the message is very straightforward through such mediums. So these works, there are works like all art has shaped the cultural and you know, economical and the political scene. That is how art and yeah, it is a good thing to learn about history. It's a very important factor if you want to be a if you want to know about art. Knowing can it be art a, like, is a... about major factor in the art we produce, knowing about the art history, just knowing about the art history, not like studying the skills, how we make impressionist paintings, just knowing about what impressionism is or what any that art can lead to is. Creating works like Impressionism, if you know about history of Impressionism, you will certainly be able to produce such sort of work, like you know, if you are studying but there are certain times very exceptional cases, like in terms of more modernity forces, like, you know, like fluxes and more phases. So it gets a bit tight at that places. And that is how things are, like avant-garde feminist forces, which are, which is being still prevalent in the contemporary. So that is how things are. And lately we are facing lots of works produced, like social works produced to create such sort of symbolism, and one such work was produced by Mudassar Gul in Kashmir. So this is how politics has always been in art, and it is part of the realism. Bilkul. Mudassar sir, do you want to add something to it, or Hussain sir ne cover kar liya sab kuch? nahi ab isme raaye nahi hai kuch, Hussain ne jab I think complete कर दिया है। मैंने complete कहा कि मैंने confuse कर दिया। मैंने और तोड़ दिया। So from your like point of view, I can say कि मुझे felt कि yeah, it is important to know about art history if you want to produce art, or it will help you. It will help you broaden your senses, you know. Senses. It makes you more complete. I believe it will make you feel like that. It's an important part. It's like what work, what experiment there has been already done. So you don't need to repeat them.
So in science, Those experiments are will always be indulgent to your artwork in a very subconscious way. Like all the history is embedded into your artwork. You always pose the question like, "Am I as great as Picasso or somebody if I produce such sort of work?" So I answered and I said, "You might be, you are better painter than Picasso because you know what's after Picasso. Like you know what's there in the history which came after the guy or after the person or after the artwork." So that makes you more complete than the past affinity. And that is how that can be a one subjection towards it. बिल्कुल ओके okay. कुछ और फरमाना चाहेंगे मुदस्सिर साहब और तफजल साहब आप तो नहीं बस इट मुदस्सिर वाज साहब, मुदस्सिर साहब से थोड़ी मुलाकात करनी थी, बस वो हो गई। हाँ इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, मगर जो मुलाकात कोविड करेंगे का जल्दी सीन है दैट इज टेम्परिंग ऑल दोज थॉट्स। इंशाल्लाह। मैंने सुना कि मतलब फर्स्ट से खुलेगा। हाँ इंशाल्लाह खुल जाएगा, केसेस भी देखेंगे। थोड़े से कंट्रोल हो रहे हैं, डेथ्स भी कंट्रोल हो रहे हैं ये वैसे। कंप्लीटली नहीं खुलेगा, 50% खुलेगा, 50% बंद रहेगा, मैंने सुना। जी, तो अच्छा है। वैसे मुदस्सिर साहब, आपकी एक पेंटिंग मेरे पास है, आपको याद है जब दिसंबर में हमने काम किया था, जब आप मेरे पास आए थे, आप बोल रहे थे मैं छोड़ूंगा नहीं इस काम को, और मेरे पास ही भूल गए। याद है वो लैंडस्केप जो किया था एक बोर्ड पे हाँ हमने हाँ यस 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 मुझे पता है, बहुत तो मजा आ गया था शायद उसमें ज्यादा। वो काफी सही था, एंड और शायद अब वो अब मेरा ही हो गया है, अब मेरा ही हो गया तो है। मर्जी है भाई। एनीवन वांट्स टू डू द क्लोजिंग थॉट्स? मुदस्सिर साहब कोई क्लोजिंग थॉट या कुछ भी आप शेयर करना चाहो किसी के साथ भी, हमारे साथ, इफ यू वांट ऑडियंस टू के साथ? स्पीक समथिंग टू द ऑडियंस, जो लोग हैं उनसे आप कुछ बात बोलना चाहेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स, तो प्लीज बताएं। हाँ तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, बस बट यही बोल सकता हूँ कि मेरा जो अभी जी प्रोसेस है काम का, अभी बिल्कुल मैं उसको ना मतलब थोड़ा बेटर तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरा स्टूडियो बन रहा है इंशाल्लाह, जी मैं आपको दिखाऊंगा अपना स्टूडियो। बिल्कुल अभी मैं अपने जैसे ये मेरा कमरा है जहाँ पे मैं सोता हूँ, ये स्टूडियो एक्चुअली है ही नहीं, मेरे पीछे ये काम पड़ा है। तो यहाँ काफी सारी डिस्टरबेंस है जो मेरे काम को खराब कर रही है। तो जी यही 1-2 दिन लगेगी मुझे उसको सेटअप करने में। तो वहां पे फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपना मतलब जो नया काम करूंगा, इंशाल्लाह आप भी देखते रहोगे। हाँ इंशाल्लाह। मेरा जो ये काम है ना, ये समझिए मतलब आपने देखा ही होगा, हुसैन ने भी देखा होगा कि मतलब ये पास्ट, इसको मैं पास्ट मानता हूँ। अब ये मेरा नया काम ठीक नहीं है, जो मतलब चेंजेस आती रहती है, मतलब हाँ ये जो डेवलप हो जाता है ना, मतलब ये जो सोच है, बिल्कुल एक तो होता है कि मतलब कैनवास पे पेंट करना, बिल्कुल तो दूसरी बात ये होती है कि मतलब ऑब्जर्वेशन से मतलब चीजों को अपने बिल्कुल, ये फील ऑब्जर्वेशन के के साथ हिसाब से, हाँ फील के साथ, जी, मतलब तो इंडल्ज ये हो जाना पूरी तरीके से, इंडल्ज घुस होता है ना, जाना। मतलब मुझे लगता है कि ये काफी सारी चेंजेस आ रही है मतलब मुझ में। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, अब ऐसे मैंने किया था पिछली बार, अब ऐसा मुझे करना है, मतलब ना डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ना, मतलब काम बिल्कुल देख बिल्कुल के वगैरह, मतलब स्टडी करके बहुत सारी एक्सपीरियंस हो जाती है ना, मतलब ये इम्प्रूव होता जा रहा है, मतलब इसका ये नहीं है, एंड नहीं है कि जी। इस पे मैंने लिखा है, अभी एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, इट इज़ अ वेरी लेम स्टेटमेंट एक्चुअली, वेरी प्लेन। आई हैव यस रिटन द मोर यू सी द मोर यू सी, दिस इज इट, दैट इज़ अ गुड वे टू सम इट। प्लीज कैन यू रिपीट इट? आई सेड द मोर यू सी द मोर यू सी, इसमें इसके लिए जितना आपने देखोगे कॉपी उतना क्यों और लिखी? देखोगे। नहीं इसके लिए आपने नोटबुक क्यों आई वॉज निकाली? कन्फर्मिंग इट, वॉज जस्ट डिसाइड मी। ये अगेन चीज कमिंग जब बैक टू जब आप ये चीज मुदस्सिर भूल पॉइंट, जाओगे तो मतलब क्या ही है। आई कैन इवन रीड मोर, बट
that would be tampering the podcast. This is enough. This entering sums up literary this sums art up rather whole, than talking about visuals thing. Art. ठीक है, it was good talking to you मुदस्सिर साहब. जल्दी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे भी मुतफ़ज़्ज़िल साहब. Yes, yes, yes. मिलते हैं, थोड़ा सा खुलना चाहिए. मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी. चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे वही पे घर में. हाँ हाँ, या हुसैन के घर में. हुसैन के घर में नहीं यार, वहाँ क्या रखा है यार, जहाँ पे मर्जी हो मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ. ठीक है, चलिए we'll see. वो भी देखते हैं, मे बी नए स्टूडियो में कुछ काम करेंगे उसके. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर. हाँ वो तो देखने आएंगे, इनॉग्रेशन तो करेंगे उस चीज की. इनॉग्रेशन करनी है ना यार. जी 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 जी. ओके गाइस, सो दिस वाज मुदस्सिर गुल एंड चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज. ओके, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. यो ब्रो, व्हाट्स अप? यो ब्रो.